हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक और मल्टीबैगर स्टॉक या कंपनी, जो कि बेसिकली एग्रोकेमिकल्स वो पिगमेंट के सेक्टर में काम करती है, और ये कंपनी इन दोनों के इंटरमीडिएट्स को भी बनाती है। तो कंपनी का नाम देखने से पहले हम देखते हैं कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयर और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों बेहद ज़्यादा अच्छे, आप देख सकते हो 32.54, और वही रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी 28.37%। और अब हम देखते हैं कंपनी का रिजर्व ओवर डेथ किस प्रकार का है। तो आप देख सकते हो कंपनी में रिजर्व भी अच्छा खासा रखा है, 1184 करोड़ का, और डेथ भी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू रिजर्व डेथ है 660 करोड़ का। और वही बात करें कंपनी के लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ की, तो वो 16.16% है, जो कि लगभग ठीक है। और यदि बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग 51.29% है, और लास्ट के 2 क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और अब हम देखते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कैसा है। तो आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1514 करोड़ का, मतलब ये अभी स्मॉल कंपनी है, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 59.55। और वही कंपनी का 52-week हाई व लो देख सकते हो 31.80, और वही कंपनी का 52-week हाई जो है वो 67.40 है, और कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी लगभग ठीक है 1.68। और आप देख सकते हो इसके स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो है 6.31, और वही बात करें इसके इंडस्ट्रियल पी की, तो वो है 25.49। और अब हम देखते हैं कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम है मेकमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और अब हम देखते हैं कंपनी का चार्ट, तो जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट के 1 ईयर में कंपनी का चार्ट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और ये यहाँ पर इसने लगभग लोवेस्ट टच किया था जो कि 35 था, और अभी ये हमें करेंटली में मिल रहा है 59.55। और वही बात करें मैक्सिमम ईयर की, तो मैक्सिमम ईयर में कंपनी का चार्ट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ये यहाँ पर लगभग हाईएस्ट आया था 119, और ये अभी करेंटली हमें 58 में मिल रहा है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी इतने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से 100 को क्रॉस कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कंपनी के प्रोस वो कौन से, तो यहाँ पर कोई भी कौन सा नहीं दे रखा है। और वही बात करें प्रोस की, तो कंपनी की ओवर 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 63.30 है। और अब हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2008 से लेकर 2019 तक कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ को कभी भी डिक्रीज नहीं होने दिया है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये कंपनी जो एक मल्टीबैगर स्टॉक है और ये लगातार ग्रो करती जा रही है। आप देख सकते हो आपको किसी भी ईयर में कंपनी की सेल्स ग्रोथ डिक्रीज होती हुई नहीं नजर आएगी, तो इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हो ये भी। लेकिन कंपनी ने एक्सपेंसेस कभी इंक्रीज किए हैं तो कभी डिक्रीज किए हैं, तो इसलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कुछ इसी प्रकार से हुए हैं कुछ ईयर्स में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने जो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ज्यादा किया था, तो इसलिए यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। और ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करवाती है अपने शेयर होल्डर्स को, देख सकते हो 25, 23, 20, 27, 73, 15, 11, 23, 9, 12, 6, 10, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है, और हर साल डिविडेंड देती ही देती है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इस कंपनी का, जो कि हमें ये बताता है कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, और ये हो सकता है फ्यूचर में मल्टीबैगर कंपनी बन जाए। और अब हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल। तो जैसा कि आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर 2020 तक कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब ये थोड़ा सा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है, ये ना तो इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और वही बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ, केवल किसी साल ही डिक्रीज हुआ है, और यदि आप देख सकते हो अदरवाइज हमेशा से ही कंपनी ने रिजर्व को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, और 2020 में कंपनी के पास रिजर्व रखा है 1184 करोड़ का। और वही बात करें डेट तो बोरोइंग की, तो बोरोइंग भी देख सकते हो यहाँ पर हाईएस्ट हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2012 में, उसके बाद रिड्यूस की अच्छे से मैनेज की, और रिड्यूस की फिर 2019 में ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी और फिर से रिड्यूस की, मतलब कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा नहीं है, इतना तो कंपनी मैनेज कर सकती है। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कंपनी में मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो प्रमोटर है, और प्रमोटर की होल्डिंग जो है 51.28% है, और आप देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है,
मतलब ये पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए, और प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा भी प्लीज पर नहीं रखा है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि आपको किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस पर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।